test 6. In Charles' law, volume of gas is directly related to which factor? The volume is directly related to temperature. The charge to mass value is maximum for dash gas because of dash value of m for positive rays obtained from it. So remember, charge divided by mass, तो हमें एक आंसर मिलेगा. अगर मास ज़्यादा है आंसर कम होगा, अगर मास कम है तो आंसर ज़्यादा होगा. तो मैक्सिमम सबसे लोवेस्ट मास हाइड्रोजन गैस का होता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ इट्स लोवेस्ट मास. विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ शोन बाई द एटम्स ऑफ द सॉलिड? तो सॉलिड में जो पार्टिकल या एटम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं एट देयर मेन पोजीशन. फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेप्ट. तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज. चॉइस इज डी. High molecular mass of organic compound upon hydrolysis yield amino acid. Over here is amino. Amino acids are called. तो amino acid जो हैं वो protein देते हैं. Carbohydrates जो हैं वो monosaccharide, disaccharide दे जाते हैं. Lipids जो हैं esters और alcohol देते हैं. Carboxylic acid, DNA तो proteins. Nitrogen molecule has 3 unpaired electrons on each atom, therefore it shows 3 bonds that are. तो नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो जो हैं वो पाई बॉन्ड हैं. सो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, दैट इज चॉइस बी. टू कंपोनेंट्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड बाय. तो गैल्वेनिक सेल के जो दो कंपोनेंट हाफ सेल हैं दे आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, वाइल द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल? तो फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो यहाँ पे ये है ब्रोमीन जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके ऊपर नज़र आ रही हैं. तो अगर हम सिर्फ बी आर लिख दें, इधर इसके ऊपर कोई डॉट होना चाहिए, तो बी आर ये हो जाएगा फ्री रेडिकल. फॉसिल फ्यूल आर प्रोड्यूस ड्यू टू. तो ये फॉसिल फ्यूल प्लांट और एनिमल के डिके से बनते हैं. तो फास्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? नो, नॉट फास्ट, वेरी स्लो. तो बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, सो चॉइस डी इज करेक्ट. बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन देयर पीएच. सिंपल, the slope of the curve obtained by plotting concentration change with time is actually, to jab hum concentration change with time, for example this is time and this is concentration, to yahan pe hamare paas ye jo milega over here, aur phir yahan pe agar hum koi slope malum karna chahe right angle triangle bana ke, so that will be rate of a reaction. Which of the following property are associated with transition metal? तो color देते हैं, complex formation भी करते हैं और as a catalyst भी इस्तेमाल होते हैं. So all of these. According to Bohr theory, electron should move dash nearer to nucleus in an orbit of dash. अच्छा, जितना electron nucleus के करीब आएगा तो वो अपनी velocity बढ़ाएगा, speed बढ़ाएगा, ताकि nucleus में गिर ना जाए. तो इस वजह से यहाँ पर होगा faster. और रेडियाई स्मॉलर रेडियाई जो होगा, सो ओवर हेयर चॉइस बी इज हेयर, फास्टर एंड स्मॉलर रेडियाई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन दैट डिस्क्राइब बोथ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम? अच्छा, पहले तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है. अब इसमें से फिर कहते हैं कि प्रेशर और इंटरनल एनर्जी, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. सो एंथैल्पी इज द करेक्ट चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KOH इन वाटर? अच्छा, अब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है KOH से,
और पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर होती हैं, और अगर अब ये लेस पोलर अल्कोहल होता तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ फेवर्ड. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिटरमिन इट्स एटॉमिसिटी. एक मॉलिक्यूल जितने एटम से बना होता है दैट इज एटॉमिसिटी. The atom of hemoglobin is heavier than hydrogen atoms. तो ये बस याद रखने वाली वैल्यू हैं, तो राउंड अबाउट ये 64,500 टाइम्स, तो इधर 65 दिया गया है, सो चॉइस सी इज करेक्ट. टू अवॉइड लॉन्ग रिएक्शन टाइम एंड टू गेट इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्विकली वी यूज्ड कैटलिस्ट. सिंपल कैटलिस्ट की डेफिनेशन है. A dash is a force which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compounds. So that is a chemical bond. Yes, ionic bond, covalent bond. So proper word jo hoga that is a chemical bond. Steam causes more severe burns than boiling water because it has. So steam jo hai, it is the gaseous form of water. और इसमें सीवियर बर्न इस वजह से होती हैं कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स, तो एसिड जो भी होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग, तो एटम्स ऑफ हीलियम इन गैशियस स्टेट नो, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नो, molecules of solid iodine yes, so this is the choice. What is the other name of 2,4,6 trinitrophenol? To 2,4,6 trinitrophenol aapko kuch yun milega, benzene ring OH, this is phenol, or 2 pe nitro, 4 pe nitro, or isi tarah se 6 pe nitro. तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. व्हाट इज द ओके तो हो गया है. द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन अल्कलाई मेटल्स बिकॉज, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कलाई मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम है इधर और यहाँ पे मैग्नीशियम है. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज छोटा होगा, एक तो ये फैक्टर भी है, साथ में जो है वो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो इसलिए कि दे आर मोर रिएक्टिव नो, दे हैव ग्रेटर एटॉमिक रेडियाई नो, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई, सो यस ओवर हियर चॉइस सी इज प्रेजेंट, दे हैव स्मॉलर आयोनिक साइजेस, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक साइजेस सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर वेपर प्रेशर, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो उसका लोअर वेपर प्रेशर होगा, सो दैट इज आइसोपेंटेन जो नॉन पोलर है. द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप शो एबनॉर्मेलिटी नॉर्मली वेरी लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें, सो दे हैव NS2. इससे पहले जो हैं अल्कलाई मेटल्स हैं NS1, और इसी तरह अगर हम फिफ्थ ग्रुप में चले जाएं तो उधर है NP3. अब NP3 हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. S2 फुल फिल्ड है, स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. अब NS1 थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा क्योंकि ये फिल हो सकता है मज़ीद भी. तो सेकंड ए और फिफ्थ ए ग्रुप जो हैं, तो चॉइस सी यहाँ पे मौजूद. द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिट. वेरी सिंपल डेफिनेशन से लिया गया है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लो टेम्परेचर एंड हाई एसिड कंसनट्रेशन रिजल्ट इन. तो याद रखें अगर हमारे पास अल्कोहल है, इसकी डिहाइड्रेशन हम H2SO4 से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 140 से टेम्परेचर नीचे रखेंगे तो ईथर बनते हैं, और 170 से ऊपर रखेंगे तो फिर यहाँ पे अल्कीन्स बनते हैं, अल्कीन्स. सो चॉइस बी ईथर इज़ हियर. When we react an active metal like aluminium with less active like copper,
इट विल फॉर्म, तो ये एक गैल्वेनिक सेल बनेगा या वोल्टिक सेल बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्काइल हैलाइड ही इनका डिराइवेटिव नहीं है, बाकी एमाइड भी हैं, एस्टर भी है और एनहाइड्राइड भी है. इन विच डायरेक्शन कैथोड रे डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन उन्होंने ये छोड़ी है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो तो वो एक साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा अबाव या बिलो, इसी तरह साउथ पोल हो तो वो अबाव बिलो प्रैक्टिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं. तो मूव्स अपवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स रेंडमली, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये तो नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, सो हम मूव्स रेंडमली जो है, क्योंकि अगर आप मैग्नेट एक सपोज़ आपने नॉर्थ पोल रखा है तो ये अपवर्ड मूव कर रही हैं, फिर आपने साउथ पोल किया तो ये डाउनवर्ड मूव करेंगी, तो ये भी है, ये भी चॉइस है. तो अब अगर हम मूव रैंडमली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो मे बी के दोनों के साथ ये रिलेट करता हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड क्वेश्चन ये नहीं है. वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके मुताबिक इनकी मूवमेंट होगी, डिफ्लेक्शन होगी. द नेक्स्ट, An exothermic reaction is allowed to reach equilibrium if heat energy is then removed, the equilibrium will shift backward. Exothermic reaction hai, is allowed to reach equilibrium if heat energy is then removed. Agar hum wahan se heat remove karte jayenge to ye forward jata jayega to the product side. Because it is exothermic, so exothermic reaction can be accelerated by decrease in temperature, yani removing the heat, so to the product side is the option. An exothermic reaction allowed to reach equilibrium if heat energy is then removed, the equilibrium will shift again, the repeated hai, so again this is question choice A. NaBH4 causes reduction of aldehyde and ketones into alcohol, और alcohol की हम reduction करके alkane तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन अब depend करेगा reducing agent. तो NaBH4 जो है it is a weak reducing agent, इस वजह से ये reaction alcohol तक ही जाएगा, reduce होके alkane तक नहीं पहुँचेगा. When an electrophilic reagent take on alcohol, तो क्या होगा, वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो अगेन अल्कोहल जो हैं आर ओ एच, यहाँ पे ऑक्सीजन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन भी पॉजिटिव है. अब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और नतीजतन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, सो चॉइस सी इज ओवर हियर. कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, नो एरोमेटिक. The reaction in galvanic cell is spontaneous, non-spontaneous, irreversible, endothermic. तो ये galvanic cell में जो reaction होता है that is spontaneous. Structure of ice is similar to which of the following? Liquid water, diamond, graphite or sucrose. आइस में भी हेक्सागोनल रिंग्स बन जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और इसी तरह के हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो हमें ग्रेफाइट में भी मिलती हैं, सो चॉइस सी इज हेयर. हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज़ ड्यू टू, सो इट इज़ ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जीज,
और बाइंडिंग हायर बाइंडिंग एनर्जीज हैं तो उनकी हार्डनेस वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़ आइसोट्रॉपिक? सो एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक एंड देयर इज़ एमॉर्फस सॉलिड। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। Which of the following compound is found when it is what? I can't read it. It is NaCl or something else. React with Grignard reagent. तो अब जब इसका पता नहीं चलता तो I don't know कि कौन सा product अब बनेगा. So this is a sign of interrogation. Which one of the following shows that iodoform test for a compound is positive? तो iodoform test में हमें yellow crystal या yellow PPT मिलता है, तो वो जब बनता है so that is known as iodoform test. LDH is raised in which disease? It is lactate dehydrogenase. और ये जब बढ़ जाता है तो इसके साथ एनीमिया और किडनी डिजीज़ खास होती हैं। हाइड्रोक्साइड आइंस आर कंबाइंड टू गिव अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्साइड आइंस आर कंबाइंड टू गिव, तो हाइड्रोक्साइड आइन जब कंबाइन होते हैं तो उनसे अल्कोहल्स ही बनते हैं, या इस क्वेश्चन का प्रॉपर सेंस नहीं बनता कि इसका मतलब क्या है। द ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 6BR। अच्छा, ग्रुप 6B में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उनके जो सपोज करें NS है और N-1D, इनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो उनके मुताबिक उनका ग्रुप नंबर दिया गया है। तो अब वो 6 लेते हैं कि 6th one, तो यहाँ पे NS1 हो और जो D5 हो तो ये 6th ग्रुप वाले होंगे। और इस तरह से अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन इसका कुछ यूं बन जाएगा कि इट इज़ 4s1 एंड 3d5, सो चॉइस डी इज़ करेक्ट। Benzene molecule contains 3 triple bonds, no, 2 double bonds, no, 3 double bonds, no, no multi-bond. This is the correct choice. Benzene में actually कोई double bond नहीं है, triple bond तो फिर बनता ही नहीं है, क्योंकि वो double bond जैसे कोई property नहीं देता। When an electron jumps from 5 to n is equal to 2 having wave number equal to this, in which spectral series it fall? तो remember, जब lowest orbital जो n1 है वो 2 हो तो ये फिर बाल्मर सीरीज़ है और ये विजिबल रीजन पे हमें मिलेगा, n5 से 2 में आ जाए, सो इट इज़ बाल्मर सीरीज़। तो इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज विल इट फॉल, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में, नॉट उन्होंने रीजन का कहा है, सो दिस इज़ वाई बाल्मर इज करेक्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल समटाइम्स डिक्रीज इज विद दी, तो रिमेंबर कंडक्टिविटी वही रेजिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज द कंडक्टिविटी, दैट इज़ चॉइस बी। विच यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ कॉमनली यूज्ड बाय मेटेरोलॉजिस्ट? सो दैट इज़ मिलीबार। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, सो क्रैकिंग एक टेक्निक है जिससे लिक्विड हाइड्रोकार्बन दूसरे गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किए जाते हैं। The total number of bond angles in methane are, तो look at this, methane hydrogen है, bonded to hydrogen, bonded to hydrogen and bonded to hydrogen. अब angle वो होता है जब कभी दो line आपस में मिल रहे हों तो उस point पे उनका आपस में distance जो है उसको angle कहा जाता है।
तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो टोटल 4 एंगल यहाँ पे आपको मिलेंगे. ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2 बॉन्ड्स, सो 1 मोल ऑफ वाटर विल कंटेन डैश मोल्स ऑफ बॉन्ड. ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2 बॉन्ड्स, दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ 1 मॉलिक्यूल हैज़ 2 बॉन्ड्स. अब कहते हैं कि 1 मोल वाटर हो, तो अगर 1 मोल वाटर हुआ तो ये 2 मोल बॉन्ड उसमें होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 2 मोल होंगे. सो ओवर हियर चॉइस बी. ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल इन लेबोरेटरी, व्हाई एसिटाल्डिहाइड इज डिस्टिल ऑफ क्विकली आफ्टर फॉर्मेशन. अच्छा, ये ज़्यादातर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, और अगर हम टाइम पे एसिटाल्डिहाइड वहाँ से नहीं निकालेंगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बना देगा. तो यहाँ पे टू अवॉइड ए कम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, नो. टू अवॉइड रिडक्शन, नो. टू अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिटिक एसिड, सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. Which of the following bond has highest bond energy? तो remember, bond energy is directly proportional to difference in electronegativity. तो जिसमें electronegativity difference ज़्यादा है वहाँ पर bond energy भी ज़्यादा होगी. So carbon and fluorine has the highest difference of electronegativity. So choice D is correct. In vacuum distillation, the boiling point of glycerin is reduced. अच्छा, अगेन ये भी आपको याद रखना है, जो 1 एटमोस्फेरिक पे होता है तो 290 डिग्री सेल्सियस है, और जब हम 50 जो है 0.5 एटमोस्फेयर तक पहुँचते हैं या 50 मिलीमीटर ऑफ एजी तक पहुँचें तो फिर वो 210 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. तो ये कुछ याद रखने वाले MCQs हैं, कुछ जो है कंसेप्चुअल्स हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं. सो यू हैव टू कोप विद ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस.